तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर जो है वो सोई अभी तक आपके जागते हुए मैं कैसे सो सकती हूँ? क्या टाइप कर रहे हैं आप? ये चार वालों को मैसेज दे रहा हूँ कि तुम्हारा ऐसे ही जैसे रोज सो जाती है। अच्छा तुम्हें लगता है अम्मा किस मंजिल की तरफ चल पड़े? ये क्या रिहान के इस टेम्परमेंट को हैंडल कर लोगी? ऐसा लग रहा है अंदर से मर गई, जिंदा रहने के रे नहीं चाह रहा। लेटर दे के उसे उसकी पिक्चर खींच के मुझे भेज दो, मुझे तसल्ली हो जाए। मासूमा की वजह से रिहान तो किस से बदगुमान होती है और उसे मजबूर करती है कि वो उसे ऑफिस से भी निकाल दे। वही मासूमा रो रो कर अपनी किस्मत को कोसती है क्योंकि रिहान उसकी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो दूसरी जानिब मोमल की माँ रिहान का ये रूप देख कर परेशान होती है कि मोमल उसे हैंडल कर पाएगी या नहीं। मासूमा की वजह से तोकीर के रवैये में काफ़ी बदलाव आता है। वो खुद मासूमा के घर आता है उससे माजरत के लिए, जिसपे मासूमा की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। लेकिन रिहान की वजह से तोकीर भी मजबूर होता है। मासूमा एक बार फिर अपना जलवा दिखाने की कोशिश करती है लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं कि तोकीर उसे नौकरी से निकालने वाला है। क्या मासूमा को निकालने के बाद तोकीर खुश रह पाएगा? क्योंकि वो भी मासूमा की कंपनी को इंजॉय करता है। लेकिन वो रिहान को भी नाराज नहीं करना चाहता। तोकीर को मासूमा से ये कहना कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो ठीक नहीं। क्या मासूमा के ख्वाब इतनी जल्दी टूटने वाले? देखने और जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन